कहना है कि लालू प्रसाद की तबीयत जो की त्यों है, शुगर और बाकी बीमारी से लालू ग्रस्त हैं। डॉक्टर आर के श्रीवास्तव के मुताबिक लालू यादव के चेहरे पर सूजन भी है। लालू की तबीयत को लेकर बाकायदा मेडिकल बुलेटिन भी जारी किया गया है। लालू की किडनी की स्थिति चिंताजनक है, ये बताया है डॉक्टर आर के श्रीवास्तव ने। चेहरे पर सूजन आ गई है, ज्यादा सुधार हालत में नहीं है। मेडिकल बुलेटिन भी उनकी तबियत को लेकर जारी किया गया है। कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त है लालू यादव, जिसके चलते उन्हें कोटवा जेल से रिम्स में शिफ्ट किया गया था। और इस दौरान जब सुनवाई हुई, सजा का ऐलान हुआ, तब भी रिम्स में ही भर्ती थे लालू यादव। हालांकि समय समय पर कोर्ट में हाजिरी लगाने के लिए जाते हैं यहां से, लेकिन हालत में ज्यादा सुधार नहीं है, ये कहना है आर के श्रीवास्तव का। जो डॉक्टर उन्हें ट्रीट कर रहे हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है कि कई बीमारियों से ग्रस्त हैं और ऐसे में स्थिति जो की त्यों है, बहुत बेहतरी नहीं आई है। इसको लेकर एक मेडिकल बुलेटिन भी जारी किया गया है। किडनी की कंडीशन बहुत बेहतर नहीं है, जैसा कि डॉक्टर ने बताया है। दरअसल कई तरह की बीमारियां हैं जिससे ग्रस्त हैं लालू यादव, और यहां पर उनका इलाज जारी है। जो उनका सर्जिकल बीमारी थी वो ठीक है, उस पर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मेडिकल इलनेस उनको पहले से था, डायबिटीज एंड माइल्ड अफेक्शन ऑफ किडनी, जो कंप्रोमाइज्ड फंक्शन में था, वो अभी भी बरकरार है। और इंसुलिन अभी भी वो लेने को तैयार नहीं है, फिर भी उनको ओरल हाइपोग्लाइसीमिक पर रखा गया है। तो अभी बहुत बेहतर स्थिति नहीं है, जैसा कि डॉक्टर बता रहे हैं। कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त हैं और यहां पर उनका इलाज चल रहा था। फिलहाल डॉक्टर्स का यह कहना है कि अभी स्थिति चिंताजनक है, किडनी को लेकर कई कॉम्प्लिकेशंस हैं और ऐसे में चेहरे पर सूजन आ गई है। इसको लेकर एक मेडिकल बुलेटिन भी रिम्स की तरफ से जारी किया गया। निदेशक आर के श्रीवास्तव जो कि डॉक्टर हैं लालू यादव के, उन्हीं का ट्रीटमेंट चल रहा है लालू यादव के लिए। उन्होंने पहले भी कहा है कि स्थिति अगर बहुत बेहतर नहीं रही तो बाहर भेजा जा सकता है। ये भी कहा जा रहा था कि कभी भी बाहर भेजा जा सकता है, लेकिन फिलहाल मेडिकल बुलेटिन जो जारी किया गया है, उसमें बातें जो निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक किडनी को लेकर काफी कॉम्प्लिकेशंस हैं अभी भी। और इस बीच एक बड़ी खबर रांची से, जहां चारा घोटाले मामले में आरसी 45 में फैसले की तिथि निर्धारित कर दी गई है। दुमका कोषागार से अवैध निकासी का यह मामला है। न्यायाधीश शिवपाल सिंह की कोर्ट में यह मामला है। कुल 43 आरोपी हैं इस मामले में। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, अभी हाल ही में लालू यादव एक फैसला सुन चुके हैं और फिर दुमका चारा घोटाले में फैसले की तारीख तय हो गई है। शिवपाल सिंह की कोर्ट में यह मामला चल रहा है। कुल 43 आरोपी इस मामले में हैं। तो लालू यादव की मुश्किलें इस साल कम से कम खत्म होती नहीं नजर आ रही हैं, क्योंकि अलग अलग मामले जो चारा घोटाले के चल रहे हैं, उनको लेकर लालू यादव घिरे हुए हैं। सजा का ऐलान अभी किया गया है और एक बार फिर ये मामला, जिसमें शिवपाल सिंह की कोर्ट में यह मामला चल रहा है, जिसमें कुल 43 आरोपी हैं, उसको लेकर तारीख तय कर दी गई है, फैसले की तारीख। कामरान हमारे सहयोगी, जो कि काफी समय से इस पूरे मामले को मॉनिटर करते आ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। कामरान, ये महीना अगर बात करें तो बहुत बेहतर नहीं है, साल बेहतर नहीं है, और अब ये देखिए ये अगला मामला जिसमें अब तारीख तय हो गई है, क्या तारीख तय की गई है? जी बिल्कुल, चारा घोटाला संबंधित दुमका को सरकार से अवैध निकासी का ये मामला है। इस मामले में कुल 82 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे हैं और इसमें कुल 34 करोड़ के घोटाले का मामला है। दरअसल जिसमें आरोप लगे हैं उसमें तमाम जो लोग हैं, 42 लोग, उसमें सप्लायर्स और पशुपालन विभाग के अधिकारी हैं, और जो तिथि निर्धारित की है फैसले के लिए वो 9 अप्रैल को तिथि निर्धारित कर दी गई है। तो शिवपाल सिंह की अदालत एक बार फिर चारा घोटाला से संबंधित दुमका को सरकार के मामले पर आगामी 9 अप्रैल को फैसला सुनाएगी। जी बिल्कुल, तो ये पांचवा मामला है जिसमें फैसला 9 अप्रैल को अब सुनाया जाएगा। क्या कुछ होता है लालू यादव के लिए फैसला, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इससे पहले ही अभी चौथे मामले में 14 साल की सजा मिली है। बहुत शुक्रिया कामरान जुड़ने के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए।
और अब बात राज्यसभा चुनाव के बाद मचे बवाल की, जहां पर झारखंड बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि मतगणना के समय आरओ ने अमित महतो मामले में बीजेपी की आपत्ति को इलेक्शन कमीशन तक नहीं पहुंचाया। वहीं बीजेपी के नेता जेएमएम विधायक अमित महतो के वोट को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। इनका तर्क है कि वोटिंग प्रक्रिया के दौरान सजायाफ्ता होने के बावजूद अमित महतो ने कैसे वोटिंग में हिस्सा लिया। इसी मुद्दे को लेकर झारखंड बीजेपी नेता दीपक प्रकाश और आदित्य साहू राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामलाल से भी मुलाकात करने पहुंचे। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी धीरज साहू 0.01 वोट से निर्वाचित घोषित किए गए थे। भारत में इतने मामूली अंतर से हुई इकलौती जीत थी। उन्होंने बीजेपी के दूसरे प्रत्याशी प्रदीप कुमार सोनथालिया को हराया था। वहीं एक सीट पर बीजेपी के समीर उरांव निर्वाचित हुए हैं। तो वोटिंग पर बवाल जारी है। पहली तो उन्होंने गलती की कि आरोपी व्यक्ति को वोट देना नहीं चाहिए। उन्होंने एक पहली गलती की और दूसरा उस दिन चूंकि आरोप तय हो गए, उनकी विधायकी खत्म हो गई है, तो ऐसे में हम लोग मांग करेंगे न्यायालय में भी और चुनाव आयोग से भी कि किसी भी हालत में उसके वोट को रद्द किया जाए। और जो जैसे ही उसकी वोट रद्द होगी, हमारे प्रदीप सोनथालिया जी 0.9% से जीत हासिल करेंगे और राज्यसभा में जाने का कार्य करेंगे। इसके लिए हम लोग तत्पर भी हैं, प्रयासरत भी हैं और हर हालत में ये काम करेंगे हम लोग। देखिए, बेशक कानून के शरण में जाने का, न्यायालय के शरण में जाने का सभी को अधिकार है, जाएं। लेकिन जहां तक इस मामले का सवाल है तो इस पर कोई लीगल एम्बार्गो कायम नहीं होता है। चूंकि कोई व्यक्ति जब उसे सजा नहीं होती है तो वो अपने पद पर कायम रहता है, उसके सारे अधिकार कायम रहते हैं और उसी के तहत अमित महतो ने वोट किया है। इसलिए इस पर ये कानूनी पचड़े में पड़ने का जहां तक सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी ने संथालिया से जो आज लाभान्वित हुए हैं उसकी संतुष्टि के लिए और जनता के आंखों में धूल झोंकने के लिए, आईवास करने का काम करने के लिए अदालत जाने का नाटक प्रारंभ किया है। इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। उसका वोट बिल्कुल जायज है अमित महतो जी का, बेशक हुए जाए। हम भी कानून का सम्मान करते हैं, न्यायालय का सम्मान करते हैं। हम भी देखेंगे कि पूरे मामले में क्या फैसला आता है। जी मीडिया संवाददाता चंदन हमारे साथ जुड़ गए हैं ताजा अपडेट के साथ इस खबर पर। चंदन, कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग को लेकर अभी भी बवाल जारी है और कहीं ना कहीं ये मान लें कि बीजेपी इस कोशिश में लगी है कि जो एक सीट गंवाई है क्या उस पर कुछ तख्ता पलट किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल, चुनाव समाप्त हो जाने के बाद, नतीजे आने के बाद भी सियासी घमासान जारी है और बीजेपी हर संभव ये कोशिश कर रही है और बीजेपी इसीलिए दिल्ली पहुंची है और इलेक्शन कमीशन का दरवाजा भी खटखटाना चाह रही है और इसके लिए जो झारखंड से डेलीगेट्स हैं वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं और इसमें सीधे सीधे दो मुद्दे लेकर वो इलेक्शन कमीशन दिल्ली पहुंचे। एक तो कि जो आरओ की भूमिका है उस पर भी सवाल उठाया गया है। बीजेपी की ओर से ये हवाला दिया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से जो तीन आपत्तियां दर्ज कराई गई थी, दो आपत्तियों पर आरओ ने दिल्ली के इलेक्शन कमीशन से मार्गदर्शन लिया, लेकिन जो तीसरी आपत्ति थी अमित महतो के वोट को निरस्त करने की, उसमें आरओ ने कोई मार्गदर्शन नहीं लिया, इलेक्शन कमीशन दिल्ली को इसकी जानकारी तक नहीं दी। तो उसी भूमिका पर अब झारखंड बीजेपी के नेता सवाल उठा रहे हैं और इसी को आधार बनाकर अमित महतो के वोट को भी रद्द करने और आरओ की भूमिका पर भी सवाल उठाने के लिए दिल्ली पहुंचे। तो सियासी घमासान जारी है। बीजेपी हर हाल में इस मामले को न्यायालय तक ले जाना चाहती है, इलेक्शन कमीशन ले जाना चाहती है, ताकि जो कांग्रेस के एक उम्मीदवार है उनका जो जीत है उस जीत में अमित महतो के वोट की भूमिका है और उसको निरस्त कराया जाए। बिल्कुल, तो ये कोशिश कर रही है झारखंड बीजेपी और इसी के तहत आज चुनाव आयोग के दरवाजे पर पहुंची है। क्या कुछ होता है इस पूरे मामले पर, इस पर नजर बनाए रखिएगा चंदन, आपसे आगे जानकारी लेंगे। और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रामगढ़ की। रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर में नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद धीरज साहू मां छिन्न मस्तिके के दरबार में पहुंचे। उनके साथ प्रदीप बालमुचू भी मौजूद थे। दोनों नेताओं ने मां छिन्न मस्तिके के चरणों पर मत्था टेका है और राज्य और देश की खुशहाली के लिए दुआ मांगी। नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद हैं धीरज साहू और यहां पर प्रदीप बालमुचू के साथ वो पहुंचे थे मां की पूजा करने के लिए।
रांची में पिछले दिनों हुई बीजेपी नेता पंकज गुप्ता हत्याकांड का आज खुलासा होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसएसपी इस मामले पर खुलासा करने वाले हैं। भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद होने की सूचना मिल रही है। आपको बता दें कि नगड़ी में पंकज गुप्ता की बदमाशों ने दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। पंकज गुप्ता लोहरदगा जिला बीजेपी के कोषाध्यक्ष थे। वही तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर हत्या की गई थी। वो एक ट्रेन से निकले थे और चाय पी रहे थे। इस दौरान बदमाश आए और उन्हें गोलियों से भूनकर फरार हो गए थे। दिन दहाड़े यह हत्या की गई थी। जैसे पूरी प्लानिंग के तहत इस मामले को अंजाम दिया गया था। जो तस्वीरें निकलकर आई थी, कम से कम वो ये बता रही थी, उसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। जी मीडिया संवाददाता सनी शारद हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनी, जो तस्वीरें आई थी इस हत्याकांड की, उससे समझ में आ रहा था कि प्री प्लान्ड वे में इस मर्डर को अंजाम दिया गया था। ऐसे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कितने बजे होने वाली है? बिल्कुल, देखिए 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है। 11 नगरी पिस्का स्टेशन के पास वो जब खड़े थे चाय पीने के लिए और अपराधी वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने गोली मारकर पंकज गुप्ता की हत्या कर दी थी। मुख्यमंत्री खुद से इस मामले की संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी का आदेश दिया था। 5 टीम अलग अलग बनाई गई थी। लेकिन अब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है उसमें ऐसी बातें कह सकते हैं कि निकलकर सामने आने वाला है जो अब तक वो बातें सामने नहीं आई थी, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार पुलिस ने शूटर को तो गिरफ्तार किया ही है, साथ ही हथियार सप्लाई करने वाले लोगों को भी गिरफ्तार किया है और जिनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुआ है। पुलिस का यह भी कहना है कि गलतफहमी में पंकज गुप्ता की हत्या हुई। हालांकि पूरे मामले का खुलासा अब से कुछ देर बाद रांची के एसएसपी कुलदीप द्विवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करेंगे और उसके बाद कह सकते हैं कि जो एक मामला कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी सस्पेंस बना हुआ था, क्योंकि परिवार वाले और स्थानीय लोग जो वहां मौजूद थे तमाम वो यही बता रहे थे कि पंकज गुप्ता का किसी से कोई विवाद नहीं था, तो फिर कैसे हत्या हुई थी। तो ये तमाम जितने सवाल उठ रहे थे अब से कुछ देर बाद उससे पर्दा उठ जाएगा। बिल्कुल, तो ये सवाल कई उठे हुए थे जिसको लेकर अब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। कौन इस पूरे मामले में इन्वॉल्व था, किसने इस हत्या को प्लान किया, इसको लेकर आज खुलासा होगा, उस पर सभी की नजरें हैं। बहुत शुक्रिया सनी जुड़ने के लिए और जानकारियां फिलहाल साझा करने के लिए। बोकारो में ट्रैक्टर की चपेट में आने से साइकिल सवार की मौत हो गई। मृतक मोहम्मद इसाक के हादसे में मौत हो गई है। घटना बोकारो जिले के पेटरवार थाना क्षेत्र के खेतकों की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर की चपेट में आ गया था साइकिल सवार, जिसके चलते उसकी मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सड़क हादसे में मौत हो गई। मोहम्मद इसाक शख्स का नाम बताया जा रहा है जो कि साइकिल पर सवार था और ट्रैक्टर से टक्कर के बाद उसकी मौत हुई है। धनबाद में बागमारा के रामकनाली ओपी क्षेत्र में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि झिंझी पहाड़ी कुम्हार टोला में 24 वर्षीय अजीत कुम्हार ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। परिजन शव को दाह संस्कार के लिए ले जा रहे थे और तभी पुलिस ने शव बरामद किया है और मामले की जांच की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक जांच के बाद ही मामले में कार्रवाई होगी। सूचना मेरा यही कि मतलब कोई फांसी लगा के मर गया है। हम लोग आए तो पता चला घर से कि मतलब ये सब जानकारी के अभाव में शव को जलाने के लिए ले जाया, तो रास्ता में ही मिला तो उसका हम लोग इंक्वेस्ट बनाए और पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। खूंटी के अड़की में रामनवमी जुलूस निकाल रहे लोगों को पत्थलगड़ी समर्थकों ने बंधक बनाकर रखा है। 2 घंटे तक जुलूस में शामिल लगभग सभी लोगों को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया, जिसके बावजूद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। इस तरह से स्थानीय वीडियो रंजीता टोपो वहां पहुंची और पत्थलगड़ी करने वालों से लोगों को छुड़वाया है, जिसके बाद रामनवमी जुलूस निकाल रहे लोगों ने अड़की थाने को घेर लिया और आपबीती सुनाई। बाद में थाना प्रभारी हरदेव प्रसाद और मुरहू थाना प्रभारी अरुण दुबे ने भीड़ को शांत कराया है। आपको बता दें कि अड़की क्षेत्र में पत्थलगड़ी करने वालों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दिन पहले इसी क्षेत्र में 2 बार पुलिस जवानों को घंटों बंधक बनाकर रखा गया था, जबकि इस बार रामनवमी जुलूस को ही घेर लिया गया और लोगों को मारा पीटा भी गया है। मारपीट में दोनों पक्षों से करीब 6 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज अड़की के ही अस्पताल में चल रहा है। किसी तरह से लोगों को समझाया गया है, तब जाकर रामनवमी का जुलूस निकाल रहे लोगों को इन्होंने छोड़ा है।
लातेहार थाना क्षेत्र के कोमो नर्सरी के पास एनएच 39 पर आईआरबी का 407 वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और इसमें करीब 12 जवान घायल हुए हैं। इनमें से दो जवानों की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को ग्रामीणों की मदद से सदर अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां से उन्हें रिम्स रेफर कर दिया गया। इंडियन रिजर्व बटालियन के जवान लातेहार से रांची की तरफ जा रहे थे, तभी असंतुलित होकर उनका वाहन पलट गया। करीब 12 जवानों का घायल होने की जानकारी मिली है। सदर अस्पताल इन्हें ले जाया गया, जहां से जिनकी हालत गंभीर है उन्हें रिम्स रेफर किया गया है। इंडियन रिजर्व बटालियन के जवान थे, जो कि लातेहार से रांची जा रहे थे और तभी इनका वाहन असंतुलित होकर पलट गया, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, आप तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। घायल जवानों को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से कुछ जवानों की हालत गंभीर है, उन्हें रिम्स रेफर कर दिया गया है। दो की हालत गंभीर बताई जा रही है, बाकी 10 जवानों का इलाज जारी है। जी बिहार झारखंड, आप तमाम दर्शकों के बीच आज अपने उन जांबाज वीर सपूतों की शान में पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक शाम जवानों के नाम कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में आर्मी, एसएसबी, सीआरपीएफ, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, आरपीएफ, एनसीसी, बीएमपी और पटना पुलिस के कई आला अधिकारी और हजारों जवान मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कर कमलों से होगा। मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और नीतीश कैबिनेट के तमाम मंत्री और विधायक उपस्थित होंगे। कार्यक्रम के दौरान आर्मी और सीआईएसएफ के जवान शानदार प्रस्तुति देंगे और इसके साथ ही बिहार के स्थानीय गीतकार और जाने माने संगीतकार अपने मधुर स्वर से इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाएंगे। जिनके दम से महफूज है हमारा हिंदुस्तान।